अगले कॉलर भोपाल से एमएस राय, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्कार। जी मैडम, मैं बीपी का पेशेंट हूँ। हाँ, हाई रहता है, लो मेरी रहता सबसे है? हाई रहता है, ठीक है। उम्र क्या है तो आपकी? उसके लिए 63 ईयर। जी जी तो मैडम, प्रॉब्लम ये है कि जो बीपी की गोली लेते हैं उससे। जी हाँ, उससे हाँ, नमस्ते मैडम। हाँ जी, ठीक है। टीवी से मत सुनिए, आपने फोन पे कॉल किया है ना, फोन से सुनिए, हाँ बताइए। हाँ मैं बीपी का पेशेंट हूँ। हाई बीपी। हेलो, जी देखिए, आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं, हमें आपकी आवाज आ रही है। आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। मैं बी हाई बीपी का पेशेंट हूँ। अभी तो हमारा बीपी बढ़ रहा है, आप समझ ही नहीं रहे। देखिए, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल तो पूरा करिए। टीवी की आवाज कम कर दीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, हम भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉल जी है बंद पेशेंट। कर दिया टीवी का आवाज। जी जी मैं बीपी का हाई बीपी हो जाता है मेरा, तो मेरी समस्या ये है कि मुझे एसिडिटी होती है एलोपैथी गोली खाने से, टेबलेट लेने से। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एसिडिटी के लिए डॉक्टर मना करते हैं लेने को एसिडिटी। ठीक है ठीक है। जी अच्छा देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि एसिडिटी भी ना बने और एसिडिटी की गोली भी ना लेनी पड़े और बीपी भी आपका कंट्रोल हो जाए और ये दवा भी आगे जाके छूटेगी जो आप लेते हैं, तो 6-7 महीने तक आप, एक आता है जैतून का सिरका, जैतून का विनेगर, ये 3 चम्मच दोपहर नाश्ते के बाद 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर या अपने खाने में मिलाकर ले लिया करें, और 3 चम्मच रात को खाने में मिलाकर, सब्जी में मिलाकर या पानी में मिलाकर 3 चम्मच पी लिया करें। ये आपके बीपी, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी का दुश्मन है। ये वो लोग भी ले सकते हैं जिनको दिल में प्रॉब्लम है, जिनके हाजमे में प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है। लगातार लीजिए, फ़ायदा उठाइए। मेरी उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है।